हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के दो टॉपिक्स। एक है नेगेटिव पावर और एक है पावर ऑन पावर। जब भी नेगेटिव पावर होती है किसी बेस नंबर के ऊपर, तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और दूसरा पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये दोनों ही टॉपिक हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे दो पॉइंट्स, एक नेगेटिव पावर और एक पावर ऑन पावर। नेगेटिव पावर सबसे पहले हम समझते हैं, जब भी कोई नंबर है हमारा उसके ऊपर कोई नेगेटिव पावर है तो उस नेगेटिव पावर को हम कैसे चेंज करते हैं। उस नेगेटिव पावर को चेंज करने के लिए हमारा जो बेस नंबर है हमें उसको चेंज करना होता है, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना होता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, वो उल्टा हो जाता है नंबर। तो ये है 2^-3। तो अब इसकी पावर को पॉजिटिव 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है ओनली 2, तो इसको हम कर देंगे 1/2 और यहाँ इसकी पावर हो जाएगी 3, यानी कि पॉजिटिव 3। ये नेगेटिव पावर जो है वो चेंज होकर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो गई। अभी यहाँ पर जो हमारा बेस नंबर है वो ओनली 2 था। मान लेते हैं अगर वो नंबर 1/2 होता और ये पावर नेगेटिव होती तो इस केस में हम क्या करते, उल्टा कर देते, तो ये हो जाता 2/1। जिसको 1 नीचे हम लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर पे है वो, और पावर जो है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर भी हमने वही किया है, ये था 2^-3, यानी कि 2/1 था जिसको हमने 1/2 कर दिया था। तो ये होता है नेगेटिव पावर को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं पावर ऑन पावर की। अगर हमारा कोई नंबर है बेस जिस पे पावर है और उस पूरे के ऊपर फिर पावर है, उस केस में क्या होता है, जो दोनों पावर्स हैं यानी पावर के ऊपर जो पावर है ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सो बेस एज इट इज़ रहेगा और जो पावर्स हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2^-6। इस तरीके से ये दोनों को किया जाता है। एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि कॉमन एग्जाम्पल होगा, जिसमें दोनों ही चीज़ें होंगी, नेगेटिव पावर भी होगी और पावर पर पावर भी होगी। तो ये हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब इस केस में क्या है, ये है हमारा बेस -2/3 जिसकी पावर है -2, फिर उस पूरे की पावर है 2। पहले हम चाहे तो पावर को चेंज कर सकते हैं साइन को, या हम चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। हम कुछ भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। पहले हम यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं, यानी कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा, उल्टा करना होगा। तो ये हो जाएगा 3/2, माइनस नीचे नहीं लगाएंगे ऊपर लगाएंगे, तो ये 3/2 जब हुआ तो इसकी पावर अब ओनली 2 रह जाएगी, -2 नहीं होगी। फिर इसके ऊपर हमारी एक और पावर है 2। अब हमें क्या करना है, पावर ऑन पावर है तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 2s हो जाएगा हमारा 4। तो ये हो गया -3/2^4। ये दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 4 times है ये, यानी कि 4 पावर है, तो इसको हम 4 times लिखेंगे, -3, -3, -3, -3। सेम नीचे 2, 2, 2, 2, 4 times, क्योंकि ये पावर 4 थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 3s 9। नेगेटिव नेगेटिव है दोनों तरफ पर तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा 9। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2s 4, ये हो जाएगा 2 2s 4, 9 9s 81, 4 4s 16। तो ये हो गया इसका आंसर 81/16। इस तरीके से नेगेटिव पावर और पावर ऑन पावर को सॉल्व किया जाता है।